सूत्रधार और मैं साक्षी हूं इतिहास की उन सार्वभौमिक गाथाओं का। केदारनाथ का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास भी उनमें से एक है जो शुरू होता है द्वापर युग के अंत से और कलयुग के आरंभ से। पांडव श्री कृष्ण से युद्ध की समीक्षा कर रहे थे तब कृष्ण बोले, युद्ध में तुम विजय हुए हो परंतु तुम पराजित भी हुए हो क्योंकि भ्रातृहत्या के दोष से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। माधव के इस कथन पर जिसमें पांडवों ने याचना की, प्रभु आप संसार के पालन करता है, पूरी पृथ्वी आपके अधीन है, आप ही हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताइए। तब कृष्ण ने बताया, मोक्ष मैं नहीं, यम का डर क्षर करने वाले, अजरामर फल देने वाले केवल आदि अनंत शिव ही दे सकते हैं। लगे मृत्युंजय महारूप
साधनैः मन्त्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितोऽसि महादेव तत्सर्वं क्षम्यतां मम करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो। शिव ने अपने महेश स्वरूप के अंश पांच जगहों से निकाले जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उनकी त्रिकोणीय पीठ स्थापित हुई केदारनाथ में, भुजा और हृदय त्रिकनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और केश कल्पेश्वर में स्थापित हुए। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात शिव की महिमा के प्रतीक स्वरूप स्थापित हुए त्रिकोणीय महेश त्रिकुंभ स्वरूप शिवलिंग पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। तत्पश्चात आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार किया। 13वीं और 17वीं सदी के बीच आए भीषण हिमयुग में शीतलहर, हिम वर्षा और तूफान के चलते केदारनाथ के उस मंदिर ने मानव वर्ग की चादर ओढ़ ली। केदारनाथ के कपाट साल के 6 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं, शेष 6 महीने
महादेव की पूजा अर्चना केवल देवी देवता ही करते हैं। केदारनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ के सिर्फ स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, और केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ की यात्रा करने पर ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अक्सर केदारनाथ के संग बद्रीनाथ का भी नाम जोड़ा जाता है। जितना महत्व केदारनाथ दर्शन का है, उतना ही महत्व है बद्रीनाथ का। उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों, खूबसूरत वादियों के बीच बसती है आध्यात्मिकता की महक, इसीलिए तो इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ के चार धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का अपना आध्यात्मिक महत्व है। इसके अलावा हरि का द्वार, हरिद्वार का भी विशेष महत्व है, जो देवभूमि का ही एक हिस्सा है। हरिद्वार का संबंध बावन शक्तिपीठ से भी है। वेदानुसार कहा जाता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां प्रजापति दक्ष ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित अन्य देवी देवता, नर गांधर्व सभी को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर अपने ही जमादार भगवान शिव देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ में आई माता सती, जो आदि शक्ति एवं भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनके समक्ष दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहकर उनका घोर अपमान किया, जो सती को स्वीकार्य न था, एवं उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया।
सती के मृतदेह को लेकर तीनों लोक में इधर उधर भटक कर विलाप करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार महाकाल के प्रचंड कोप का भोग बनने लगा। सृष्टि में प्रलय ने स्थान ले लिया और हाहाकार मच गया, मानो समस्त सृष्टि महाकाल के मुख में समा रही हो। तब भगवान विष्णु ने संसार को प्रलय से बचाने हेतु सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को 52 बिंदुओं में विभाजित किया, जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हुए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। ये विशाल केदारनाथ मंदिर कई सदियों से अधिक अटल खड़ा है और दुनिया को शिव की शक्ति का प्रमाण देता है। इसलिए तो 2013 में आई बाढ़ की तबाही में मंदिर उसी स्थान पर अचल रहा। यूं लगता है मानो प्रकृति स्वयं ही शिव की सुरक्षा कर रही हो। इसका उदाहरण है ये भीमशिला, जो ठीक मंदिर के करीब आकर रुक गई और बाढ़ के प्रवाह को विभाजित कर मंदिर को बचाए रखा। केवल प्रकृति ही नहीं, कई शिव भक्तों ने स्वयं की जिम्मेदारी समझकर केदारनाथ के रास्तों का, लोगों के पुनर्वसन का, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सालों साल अपना योगदान दिया। मैं समय हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सर्वत्र सूत्रधार, और मैंने देखी है शिव की महिमा, शिव का क्रोध, शिव की भक्ति की शक्ति, प्रकृति की घनघोर गर्जना, श्रद्धा की ललकार, और इन सब के साथ मनुष्य और उसकी भक्ति की विजय। आइए हम भी महादेव आदि अनंत शिव की स्तुति करें और उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाए। Shiva, 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 Shi